नए टॉपिक का नाम है एवरेज ड्यू डेट, और ये आपके आईसीएआई का स्टडी मटेरियल का लेटेस्ट वाले स्टडी मटेरियल का पेज है, एवरेज ड्यू डेट चैप्टर। जैसा कि नाम आपको बता रहा है, एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट का मतलब होता है, देखो मैं आपको सीधा सीधा एग्जांपल को ले चलता हूं, उससे आपको सीधी सीधी बात समझ में आ जाए। सीधा एग्जांपल, मतलब चैप्टर के जो स्टार्टिंग ग्रिप है वो एकदम आ जाएगी। ये इलेशन फर्स्ट आप देखेंगे, फॉलोइंग आर द अमाउंट्स ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स इन बिटवीन द सम पार्टीज, सेम पार्टीज, मतलब ए और बी के बीच में, ए और बी दो लोग हैं, सपोज ए ने 500 रुपये लेने हैं 3 जुलाई को, 800 रुपये लेने हैं 2 अगस्त को, और 1000 रुपये लेने हैं 11 सितंबर को। अब ए ने बी को बोला कि भाई ऐसा कर, तू मुझे सारे पैसे, सारा अमाउंट किसी एक ही डेट पे दे दे, किसी सिंगल डेट पर दे दे, ना तो 3 जुलाई, ना 2 अगस्त, ना 11 सितंबर, कोई ऐसी एक एवरेज डेट पर दे दे जिससे ना तो तुझे नुकसान हो ना मुझे नुकसान हो, यानी कि ना मुझे नुकसान हो और ना मुझे फायदा हो, ठीक है ना। ऐसी डेट ना तो तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़े, ना मुझे इंटरेस्ट देना पड़े, ना मैं डिस्काउंट मांगू, ना मैं इंटरेस्ट पे करूं आपको, ऐसी कोई डेट बताओ, तो उस डेट को बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट, ठीक है ना। अगर 1,08,000, 2,300 टोटल आ रहा है, अगर मैं 2,300 टोटल 3 जुलाई को पे कर दूं, जो मैंने 11 सितंबर को देने थे वो वाले पैसे भी मैंने पहले दे दिए, तो मैं डिस्काउंट मांगूंगा, ठीक है ना। अगर मैं 2 अगस्त को दूं तो भी कहीं ना कहीं फर्क आएगा, 11 सितंबर को दूं तो मैं इंटरेस्ट मांगूंगा, मतलब वो चक्कर पड़ेगा। ऐसी एक डेट बतानी है जिससे किसी को भी लॉस ना हो। सजेस्ट डेट ऑन विच ऑल बिल्स में बी पेड, एक सारे के सारे बिल एक ही डेट पर पे हो जाएं विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टी, किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके सामने थोड़ी सी विचित्र बात आ रही है कि सर ऐसा कैसे होगा, जो हमें ड्यू डेट है उसी टाइम तो पे करेंगे, पर इस चैप्टर की ये डिमांड है कि आपको वो डेट बतानी है, ठीक है। तो एक मिनट होल्ड करो, ये सोल्यूशन है इसका। जो सबसे पहली डेट, ये आपका क्वेश्चन था 3 जुलाई ड्यू डेट, 2 अगस्त ड्यू डेट, और 11 सितंबर ड्यू डेट, ये हमने सीधा क्वेश्चन से कॉपी किए हैं, ये अमाउंट्स जो के थे हमने क्वेश्चन से उठा लिया। अभी पहले मैं इन्हीं को बात करता हूँ, इनमें जो सबसे पहली ड्यू डेट होगी, ठीक है, उसे तो मान लेंगे हम बेस डेट। तो बेस डेट हमने ले ली 3 जुलाई, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अगला कॉलम है नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, बेस डेट से नंबर गिनने हैं दिनों के। तो 3 जुलाई से 3 जुलाई तक कितने दिन होते हैं, 0। 3 जुलाई से 2 अगस्त तक 30 दिन होते हैं, 3 जुलाई से 11 सितंबर तक 70 दिन होते हैं। आप दिन गिन लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, फर्स्ट डेट काउंट नहीं करते, बस ये वाली डेट काउंट नहीं करेंगे। 3 जुलाई से 2 अगस्त तक गिनोगे तो 3 जुलाई को छोड़ के दिन गिनना, अपने आप आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको अब तरीका बता रहा हूं कि एवरेज ड्यू डेट कैसे निकलती है। सबसे पहले तो कॉलम बनेंगे, दो कॉलम तो क्वेश्चन में गिवन है आपके, नंबर ऑफ डेज आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, बेस डेट से हर डेट तक के दिन गिनेंगे और वो लिख देंगे, बेस डेट को काउंट नहीं करना, उसके बाद से काउंट करना है, ठीक है। अमाउंट और नंबर ऑफ डेज की मल्टीप्लाई करनी है, तो आ जाएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आ गया 94,000, प्रोडक्ट आ गया 94,000, ठीक है बेटा। तो अब आपको क्या करना है, एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला नोट करना है, एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला आपको नोट करना है। पहले यहां तक की कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, जो मैंने बताया।
नहीं है, चलो एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला, बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, मतलब प्रोडक्ट का टोटल चाहिए हमको और अमाउंट का टोटल चाहिए यहां पर रखने के लिए। बेस डेट थी आपकी 3rd जुलाई प्लस टोटल प्रोडक्ट आपका था 94,000 और टोटल अमाउंट थी आपकी 2300। जल्दी से इससे इसको डिवाइड करो, 3 जुलाई प्लस डेज आएंगे 41 डेज, तो 3 जुलाई से 41 डेज आगे बढ़ा दो तो एवरेज ड्यू डेट आ जाएगी आपकी 13 अगस्त। ठीक है, प्रॉब्लम हो तो बोलो। किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछो, दम ना बैठे रहो, कोई प्रॉब्लम आए तो जरूर पूछो और सब कुछ नोट करो बेटा, नोट डाउन एवरीथिंग। अभी बात खत्म नहीं हुई है, बात अभी पूरी होगी, पहले इतना आप नोट कर लो। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब इसको हम प्रूव करते हैं कि एवरेज डेट सही है या नहीं। ठीक है, अगर ये अगर ये 3rd जुलाई वाली पेमेंट 13 अगस्त को की जाए, 3rd जुलाई वाली पेमेंट में 13 अगस्त को करता हूं तो मुझे इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा, मुझे और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 2nd अगस्त वाली पेमेंट भी मैं अगर 13 अगस्त को करता हूं तो मुझे और लॉस होगा। ठीक है, तो पहले लॉस निकालते हैं, एक पार्टी को लॉस होगा दूसरी पार्टी को गेन होगा, बस इतना फर्क है। तो 3rd जुलाई से 13 अगस्त तक पहली वाली पेमेंट करता हूं और फिर 2nd अगस्त से 13 अगस्त तक दूसरी पेमेंट भी मैं 13 अगस्त पे करता हूं, यानी कि लेट करता हूं। अगर मैं लेट करूंगा तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस 500 रुपए पे इंटरेस्ट निकालो, इस 500 पे 3 जुलाई से 13 अगस्त तक के दिन गिनते हैं, 41 आएंगे, इंटरेस्ट निकाल देते हैं। ये तो पहले मैं निकाल रहा हूं गेन ऑफ इंटरेस्ट 500 रुपए। मान लो रेट एज्यूम कर लेते हैं, रेट ऑफ कुछ भी रख सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, तो 10/100, 41 डेज है। जब डेज का इंटरेस्ट निकालते हैं और हमें रेट पर एनम पता होता है तो डेज अपॉन 365 करते हैं, आप सबको पता होना चाहिए। फिर हमने दूसरी पेमेंट भी करी जो 3 अगस्त वाली थी, 2 अगस्त वाली, 2 अगस्त वाली पेमेंट भी हम 13 अगस्त को करते हैं तो 11 दिन का हिसाब किताब आएगा 800 रुपए। तो वो 800 रुपए अगर मैं 13 अगस्त को पे करता हूं तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10% के हिसाब से 11 दिन का।
सामने वाली पार्टी को इंटरेस्ट का गेन हो जाएगा, ये निकाल लो कितना आ रहा है, ये भी निकालो बेटा कितना आ रहा है, फटाफट से निकाल लो और मुझे बता दो अमाउंट कितनी आ रही है। गलत बता रहे हो बेटा, अच्छा 8 पॉइंट है, मैं समझा 8,000, 8.027 ठीक है। अब आप ये तो मतलब 8 रुपए के आसपास आ गया, अब लॉस ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, दूसरे वाली पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस कब होगा, अगर 11 सितंबर वाली पेमेंट 13 अगस्त को की जाए, इनके पहले की जाए, तो यहां से यहां तक के दिन गिनो कितने आ रहे, 11 सितंबर से 13 अगस्त दिन बैठेंगे 29, तो 1,000 रुपए में इंटरेस्ट निकाल दो, 1,000 है ना, 1,000 10/100 29/365, ये बताओ कितना आ रहा। बस हमें यही प्रूव करना है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट और गेन ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल सेम है। जल्दी निकाल के बताओ कितना आ रहा है बेटा, बच्चे ठंडे के बैठे हैं इतना। यश आप बताना, देखो अप्रोक्सीमेट लिखे तो 8 रुपए इसमें आ रहा है और 8 ही रुपए इसमें आएगा, मतलब यही मान के चलते हैं अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन चलता है इसके अंदर। तो यहां पर 8.027 है, वहां पर 7.94 या समथिंग 7.95 आएगा, तो अप्रोक्सीमेशन करें तो 8 रुपए ही गेन आ रहा है, 8 रुपए ही लॉस आ रहा है, यानी कि किसी पार्टी को कोई भी नुकसान नहीं है, ठीक है, ये मान के चलते हैं हमेशा। तो एवरेज यूनिट का ये फायदा है कि इस डेट से इंटरेस्ट निकालें तो ना तो किसी को नुकसान होगा और ना ही किसी को फायदा। ये स्क्रीनशॉट आप ले लो बेटा, इलस्ट्रेशन 2, फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स बाय वाई, वाई ने एक्स के पैसे देने, वाई अगर 18 मार्च को पैसे देगा या 14 मार्च को पैसे देगा और इंटरेस्ट की रेट ये है, तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे, मतलब इंटरेस्ट कम या ज्यादा करके, पहले देगा तो रिबेट कटेगी, बाद में देगा तो इंटरेस्ट जुड़ेगा, बस साफ सी बात है, तो वो कितने अमाउंट देगा। तो वही बात आ गई कि सबसे पहले आप एवरेज डेट निकालो, इस डेट को बेस मान के एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे निकलेगा क्वेश्चन, कैसे होगा। चलो आप एवरेज ड्यू डेट निकालो और जैसे आपके एवरेज ड्यू डेट निकल जाए हैंड रेज कर देना बेटा, जिसको प्रॉब्लम आएगा वो मुझे व्हाट्सएप करेगा, जिसको प्रॉब्लम आए वो व्हाट्सएप करे, और जिन्हें एवरेज ड्यू डेट निकाल ली
वो हैंडल्स कर देगा। यस, अभी इस क्वेश्चन में भी सेम बात है, इस क्वेश्चन में समझ लेना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और गेन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि मान लो ये आई एवरेज ड्यू डेट, आप अगर इससे पहले की दो पेमेंट है और उसके बाद की एक पेमेंट है, यहां से निकालो दोनों का, यहां से यहां तक कितनी गिनो, यहां से यहां तक कितनी गिनो, तो अमाउंट निकालो कितनी आ रही है, फिर यहां से यहां तक के दिन गिनो अमाउंट निकालो कितनी आ रही है। अब ये किसी के लिए गेन है, किसी के लिए लॉस है, ये भी किसी के लिए गेन है और किसी के लिए लॉस है। एक के लिए अगर ये गेन होगा तो ये लॉस होगा, अगर किसी के लिए ये लॉस होगा तो ये गेन होगा, ठीक है, और ये अमाउंट इसके सेम होने चाहिए, ये चीज समझाइए। हर क्वेश्चन में यही चीज आपको प्रूव करनी है, एवरेज ड्यू डेट निकल जाए तो हैंड रेज कर देना। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया है क्वेश्चन, तो अब इसके बाद का प्रोसेस शुरू होता है, मैं बताना है आपको लॉस गेन पेमेंट सब कुछ बताऊंगा, अभी जो क्वेश्चन मन में बताया वो भी दोबारा महंगी बात है, ठीक है। तो आपकी जो एवरेज ड्यू डेट आई है वो कितने आई है ये बात है, आई है 21st मई, आई थिंक विश्व ने सोल्यूशन भेजा है, हाँ बिल्कुल सही है,
131 डेज आए 10 जनवरी के बाद, तो एवरेज ड्यू डेट आपकी आई है 21 मई। एक मिनट बस इसे मिटा दूं, साफ करके झाड़ू पोछा लगा के लॉकडाउन में सीख लिया मैंने काम। 21 मई यह आपकी एवरेज ड्यू डेट आई है। अब जो डेट्स इसके अंदर मेंशन है, पहले मैं ऊपर वाली बात बाद में करूंगा, पहले आपको समझा दूं कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट और गेन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। जो इसके अंदर डेट्स दे रखी हैं, इसमें तीन डेट्स तो ऐसी हैं जो इससे पहले की हैं, चेक कर लो, 10 जैन, 26 जनवरी, 23 मार्च, तो ये सब पहले की हैं इससे। और एक डेट ऐसी है जो इसके बाद की है। तो इन थ्री डेट से अगर मैं इंटरेस्ट निकालता हूं इस डेट तक का और इन इन अमाउंट का, तो वो इंटरेस्ट सेम होगा उस इंटरेस्ट के जो इंटरेस्ट मैं इससे निकालूंगा इस डेट से और इस डेट के बीच के डेट का, 4000 रुपए के ऊपर, वो इंटरेस्ट बिल्कुल सेम होगा। ये बात समझाने वाली है। अब Y ने X के पैसे देने, अगर Y X के पैसे 18 मार्च को देता है, ध्यान से सुनो मेरी बात, Y X के पैसे 18 मार्च को अगर पे करता है, पे कब करने थे, 21 मई को, तो Y को क्या मिलेगी, रिबेट। भाई X को तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन वाई को तो डिस्काउंट मिल जाएगी ना, एक्स के लिए लॉस ऑफ इंटरेस्ट है और वाई के लिए रिबेट है, तो रिबेट निकलता है। अगर वो 18 मार्च को पे करता है 21 मई की बजाय पूरी की पूरी पेमेंट, तो इस टोटल पेमेंट पर, टोटल पेमेंट कितनी आ रही है, अमाउंट सारी टोटल करना, 4 × 3 = 7 = 8, 8500 टोटल आ रहा है। इस टोटल 8500 पर इंटरेस्ट की रेट है 8% और डे 365 नीचे आएगा, ऊपर उतने दिन रखने हैं जो 18 मार्च से और 21 मई के बीच के दिन आ रहे हैं। जल्दी गिन के देखो कितने आ रहे हैं, 18 मार्च से 21 डे तक, 21 मई तक, कितनी रिबेट मिलेगी अगर वो 18 मार्च को पे करता है, तो उसे कितनी रिबेट मिलेगी ये निकाल के देखो, जल्दी बताओ मैं कितना आ रहा है आंसर, जल्दी बताओ आंसर कितना आ रहा है, फटाफट से कैलकुलेटर की हैबिट होनी चाहिए आप लोगों को जरूर, उसके बिना काम नहीं बनेगा। कैलकुलेटर की हैबिट होनी ही चाहिए, पक्की सॉलिड। ठीक है भाई, शगुन और यश तीनों बता दिया, ठीक है। तो ये हमें निकालना था, अब वो कितनी पेमेंट करेगा, उसे पेमेंट करनी थी 8500, लेकिन क्योंकि वो पहले पेमेंट कर रहा है तो उसे इतनी रिबेट मिल जाएगी, और ये माइनस करके हम बताएंगे कि वो कितनी पेमेंट करेगा, 8380.77 वो इतनी पेमेंट करेगा। अमाउंट पूछी ना, डिटरमाइन द अमाउंट टू बी पेड इन ए एंड बी, तो ए में वो इतनी अमाउंट पे करेगा, मैं थोड़ा रफली कर रहा हूं लेकिन आप इसको फेयर में नोट करेंगे हर चीज। स्क्रीनशॉट भी ले लें बेटा, हो सकता है कोई चीज मिस हो गई हो, स्क्रीनशॉट भी ले लो। अब मैं 14 जुलाई से बताऊंगा आपको, ये तो हो गया गेन ऑफ इंटरेस्ट बाय वाई या लॉस ऑफ इंटरेस्ट बाय एक्स। यश इतनी बात समझ में आ रही बेटा, ठीक है।
अब हम 14 जुलाई से लेंगे और 21 में हमारी एवरेज ड्यू डेट है, 14 जुलाई तक के दिन गिन लो फटाफट से और 8500 का इंटरेस्ट निकाल दो। अब वो लेट पेमेंट कर रहा है तो उस टाइम लॉस ऑफ इंटरेस्ट लिखेगा, इंटरेस्ट कितना निकलेगा वो देखना है, इंटरेस्ट तो ऐड होता है 8500, 8%, 365 डेज गिन लो फटाफट से। अगर 14 जुलाई की पेमेंट आती है तो 21 मई के बाद 9, 30, 39, 54 डेज आ गया, 54 डेज आ गया। उसको इसका इंटरेस्ट निकालो कितना रहा 54 डेज का, जल्दी बताओ इंटरेस्ट निकाल के बताओ बराबर, कैलकुलेशन करके बताओ। 100 रुपए के आसपास आना चाहिए, 100.60 ये इंटरेस्ट आ रहा है। तो पेमेंट कितनी करेगा आप, इंटरेस्ट आ रहा है तो ऐड करना पड़ेगा 8500 प्लस 100.60 यानी कि 8600.60 उसकी पेमेंट जाएगी बी वाले पार्ट। बस ये निकालना था आपको। अब इन दो क्वेश्चंस में किसी को प्रॉब्लम है तो हैंडल करेंगे, इन दो क्वेश्चंस में किसी को प्रॉब्लम है तो हैंडल करेंगे। इफ यू हैव प्रॉब्लम्स, एनी प्रॉब्लम इन दीज टू क्वेश्चंस, रेज योर हैंड्स। नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं और बीच में जो भी लिटरेचर है सारा पढ़ना है आपको, एक एक चीज पढ़नी है, वो आइडिया लेना चैप्टर का। चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, आप इसमें थर्ड 1 और 2 रिपीट करेंगे, 1 और 2 भी रिपीट करेंगे, ठीक है। एक मिनट, थर्ड पढ़ लीजिए, 1 और 2 को रिपीट करेंगे, थर्ड पढ़ लीजिए। देखो पहले तो सीधी सीधे पेमेंट ड्यू थी, अब बिल की डेट लिखिए, बिल हमने कौन सी डेट को लिखा, बिल हमने कौन सी डेट को लिखा, इस क्वेश्चन में ये गिवन है। पहले वाले क्वेश्चंस में हमें सीधा सीधा मैच्योरिटी डेट पता होती थी, ड्यू डेट 10 जनवरी वाले बिल की ड्यू डेट है, 500 रुपए वाले बिल की 10 जनवरी ड्यू डेट है, सीधा सीधा ड्यू डेट आपको पता थी। यहाँ इन्होंने एक्चुअल ड्यू डेट क्यों निकाली, क्योंकि अगर ड्यू डेट पर पब्लिक हॉलीडे आ जाए या संडे आ जाए तो ड्यू डेट एक दिन पहले हो जाती है, 25 जनवरी आती है, उस हिसाब से नंबर ऑफ डेज निकले हैं, आपने ऐसे ही करा होगा जहां तक उम्मीद है। लेकिन इलेक्शन 3 के अंदर बात आ रही है डिफरेंट, क्या डिफरेंट बात आ रही है, बिल की लिखने की ड्यू डेट पता है आपको, बिल की मेच्योरिटी डेट नहीं पता है। टर्म पता है 3 महीने की है, 10 अगस्त से 3 महीने जोड़ेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 10 नवंबर आ गए बेटा, 3 दिन और जोड़ दो ग्रेस के, 3 दिन और जोड़ दो ग्रेस पीरियड, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, 10 और 3 13, तो 13 नवंबर। तो पहले पार्ट में ड्यू डेट आएगी 13 नवंबर, ऐसे ही सब पार्ट में ड्यू डेट निकाल लेंगे, ये सब आ जाएंगे ड्यू डेट। हमारा मतलब तो ड्यू डेट से है और अमाउंट से है, ड्यू डेट पता है, अमाउंट वही की वही है, ड्यू डेट पता है और अमाउंट वही की वही है बेटा, ठीक है। अब ये मर्जी आपकी है, इन्होंने बिल लिखने वाली डेट को बेस माना, बिल लिखने वाली डेट को बेस माना, ठीक है ना। बेस आप किसी को भी मानो आंसर सेम आता है, तो मैं बिल लिखने वाली डेट को बेस नहीं मानता, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में आपको सेम लेके चलूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो मैं पहले बिल की मैच्योरिटी डेट को बेस डेट मान लेता हूं, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमने मैच्योरिटी डेट को बेस माना, बेस डेट माना है, तो पहले बिल की जो मैच्योरिटी डेट है इसे मैंने बेस डेट मान लिया। अब जब बेस डेट आती है तो पहले वाली तारीख में नंबर ऑफ डेज 0 हो जाता है, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ डेज निकालो और पहले मुझे नंबर ऑफ डेज बताओ कितने कितने आ रहे हैं आपके। अगर आप इसे बेस डेट मानते हो तो मुझे सारे के सारे नंबर ऑफ डेज आप
व्हाट्सएप करो कैलकुलेट करके। हाँ पहला नंबर डे जैसे आते हैं मेरे को व्हाट्सएप करते रहो। सारे इकट्ठे करेगा क्या, एक एक करके करते हैं। पहले में 40 आ रहा है, 40 नहीं आएगा, 41 आना चाहिए मेरे साथ। यस यू आर राइट, 41 फर्स्ट बेटा 41 आएगा, दूसरे में 86 आएगा, ठीक है, फिर आएगा 125, फिर आएगा 185। जो इन्होंने कर रखा आंसर उससे भी सही आएगा, लेकिन हम पैटर्न अपना चेंज नहीं कर रहे, फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना चाहिए पैटर्न, और उस हिसाब से जो अमाउंट आएंगे वो भी चेंज हो जाएंगे। अमाउंट तो ठीक है, प्रोडक्ट जो आएंगे वो चेंज हो जाएंगे, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन बन जाएगा नॉर्मल जैसे हम करते हैं। इसमें एवरेज ड्यू डेट निकालनी थी, वो आप एवरेज ड्यू डेट निकाल, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन आगे सिंपल है। ये नंबर डे लिख लो आप, मैच करने के काम आएंगे आपके, उसके बाद पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, आंसर वही आएगा जो इनका आ रहा है। डेट ऑफ बिल, यूजेंस ऑफ बिल, उसके बाद 3 दिन जोड़ के बिल की मैच्योरिटी डेट निकालनी है, और फर्स्ट मैच्योरिटी डेट को ही बेस डेट मानना है। इन्होंने यहां पे वही काम कर रखा है जो हमने भी थर्ड में किया था सेम, तो इसमें आपको इजी लगेगा, ये आपको इजी लगेगा, ये आप कर लेंगे बेटा फोर्थ। तो बस आपको आज फोर्थ तक ट्राई करने बेटा, फोर तक ट्राई करने हैं।